अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट फोरामेन ओवेल कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग करते हैं लेफ़्ट टू राइट शंट में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो लेफ़्ट टू राइट शंट में जो लास्ट है ना, वो है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। अब देखो, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस जो होता है ना, ये मेनली जो है ना एसोसिएट होता है विद दी कंजेनिटल रुबैला, मतलब रुबैला वायरस जो होता है ना, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। अब देखो, जब बच्चा छोटा होता है, मतलब अगर इंट्रा यूट्राइन लाइफ की अगर हम बात करें ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास डक्टस आर्टेरियोसिस जो होता है ना, ये प्रेजेंट होता है। अब डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है? डक्टस आर्टेरियोसिस जो होती है ना, एक कम्युनिकेशन होती है बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में देखो, हमारे पास जब बच्चा इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है ना, तो ब्लड जो होता है ना, वो जब मदर से आता है ना, तो वो हमारे पास राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, जिसको आप पल्मोनरी ट्रंक भी कह सकते हो, ठीक है। जब फिर पल्मोनरी आर्टरी में आता है ना, तो पल्मोनरी आर्टरी से ये हमारे पास लंग्स में नहीं जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड होता है। अल्लाह ने जो है मतलब अल्लाह ने जो है वो ऑलरेडी मदर के ज़रिए उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड किया हुआ है बच्चे को, तो बच्चे को ज़रूरत नहीं है कि वो उसके लंग्स में जाए और प्रॉपर ऑक्सीजनेशन का किस्सा हो एंड ऑल दो स्टफ। तो इससे क्या होता है, ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी से ये डायरेक्ट जो है वो डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू आयोटा में आ जाता है, ठीक है। और जब ये आयोटा में आता है, तो फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो क्या होता है कि हमारे पास जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है ना, वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो जब डक्टस आर्टरियोसिस बंद हो जाता है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल हमारे पास पे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वही होता है, ठीक है। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली, एक तो हमारे पास देखो, हमारे पास जो पल्मोनरी रेजिस्टेंस थी ना, वो खुल जाएगी। मतलब पहले बहुत बंद थी, पहले बंद थी, क्योंकि ब्लड पल्मोनरी वेसल्स और लंग्स वगैरह में जा ही नहीं रहा था, लेकिन अब जो है वो ओपन हो गई है, तो ईजिली ब्लड जा पा रहा है, ठीक है। ईजिली ब्लड जो है वो लंग्स तक जा पा रहा है, फर्स्ट बात ये है। दूसरी बात ये है कि लंग्स में जाएगा तो ऑक्सीजनेशन ऑब्वियसली अच्छी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि मदर का सपोर्ट ही नहीं रहा अब, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का लेवल भी कम हो जाता है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की बात करो ना, तो इसमें क्या होता है, ये जो कम्युनिकेशन होता है ना, ये पल्मोनरी ट्रंक और हमारे पास आयोटा के बीच में ये रह जाता है, ठीक है। और ये जब रह जाता है ना, इसकी मेन कॉज क्या होती है? इसकी मेन कॉज जो होती है वो होती है हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया होती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है इस किस्से में क्या होता है कि हमारे पास देखो, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है। इसके बाद लंग्स में जाएगा, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोटा। आयोटा तक ब्लड पहुंच चुका है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस वगैरह वाला किस्सा तो ख़त्म हो गया। अब पल्मोनरी जो वेसल्स होती हैं उनमें रेजिस्टेंस नहीं होती, तो लंग्स में ब्लड चला जाता है। लेकिन जब आयोटा तक ब्लड पहुँचता है ना, तो ये डक्टस आर्टरियोसिस खुला हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास कुछ ब्लड जो होता है वो डक्टस आर्टरियोसिस के ज़रिए हमारे पास चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में दोबारा, या राइट वेंट्रिकल में दोबारा, ठीक है। और कुछ जो होता है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। तो इससे ये हमें नुकसान कह सकते हो, फ़ायदा कह सकते हो, इससे ये होता है कि वो ऑक्सीजनेशन जो होती है ना, दोबारा दोबारा होने लगती है, ठीक है। मतलब लंग्स में ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी जा चुका है, लेकिन वो दोबारा जाएगा, ठीक है। अब इसके अगर आप क्लिनिकल फीचर्स देखो ना, इस बच्चे के क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास इसमें हमें वो नज़र आ रहा होता है। मेनली हमें जो है ना मर्मर्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, मशीन लाइक मर्मर्स नज़र आ रहे होते हैं। और इसमें जो वो होता है ना, फ्लो होता है ना, फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है ना, ये हमारे पास किस साइड से किस साइड तक होता है? लेफ़्ट टू राइट की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट हमारे पास शंट हो रहा होता है, मतलब आयोटा से ये हमारे पास राइट साइड पर जा रहा होता है। ये भी मैंने बता दिया इस जगह पर, ठीक है। आयोटा से ये जाता है राइट वेंट्रिकल में या पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। तो ये शंट इस साइड का होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये PDA जो होता है ना, स्मॉल PDA जो होता है, मतलब जो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है ना, तो वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, इतनी कोई मसले की बात नहीं होती। लेकिन अगर PDA बहुत ज़्यादा वो हो जाए, मतलब
सवेर हो जाए ना, तो उसमें क्या होता है, एक तो हमारे पास इंडोकार्डाइटिस के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। और इसके अलावा इसमें हमें वो भी नज़र आना शुरू हो जाता है, रेजनमर्गर सिंड्रोम जो है, रेजनमर्गर सिंड्रोम जिसको आप राइट टू लेफ्ट शंट कहते हो, वो भी नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है ना, इसकी ट्रीटमेंट आप क्या करते हो, या तो आप सर्जरी करते हो, ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है बच्चे की, और या तो आप इंडोमेथासिन देते हो, ठीक है, जो PGI-2 का लेवल कम कर लेता है, ठीक है, PGE-2 सॉरी। अच्छा अब हम लोग आते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राइट टू लेफ्ट शंट को डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।